तो हेलो दोस्तों, आप अमेजॉन पे बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आज का टॉपिक यही है कि आप अपने अमेजॉन पे बैलेंस में, जो आपने अमेजॉन पे बैलेंस में पैसे इकट्ठा किया है, आप उसे कैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट बस एक छोटी सी ट्रिक की मदद से। तो दोस्तों आप इस ट्रिक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले अमेजॉन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, मैं तो कर लिया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टच करना है अमेजॉन पे सेंड मनी स्कैन पे बिल लिखा है जहाँ। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मेरे वैलेट में 51 रुपये है। तो दोस्तों मैं इन 51 रुपये को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा लाइव प्रूफ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे हल्का स्क्रॉल कर लेना है एंड यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक ऐसे नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे गोल्ड वैलेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे टच कर देना है। फिर दोस्तों आपके यहाँ पे ऊपर साइड देख सकते हो गोल्ड बाय एंड सेल गोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को गोल्ड खरीदना है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ। दोस्तों अमेजॉन पे बैलेंस में जितने भी पैसे हो, जितना भी ट्रांसफ़र करना हो, आप यहाँ पे डाल देना। तो मेरे पे 51 रुपये, तो मैंने 51 रुपये यहाँ पे डाल दिया। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट टू बाय पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँ तो प्रोसेसिंग सा हल्का लेने लगेगा, फिर हल्का सा वेट कर देना है। वेट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे अमेजॉन पे बैलेंस को यूज़ करना है, आप अपने बैंक अकाउंट से नहीं देना है, आपको अमेजॉन पे बैलेंस से ही यूज़ करना है। यहाँ पे देख सकते हो 0 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है वी डिटेल्स में। प्लेस ऑर्डर एंड पे पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो हल्का सा प्रोसेसिंग लेने लगेगा, तो वेट कर लेना है। एंड यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह आपको चूज़ करने के लिए मांगेगा, तो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है कोई भी एड्रेस अपना एक। तो जैसे यहाँ पे हो जाए तो यूज़ दिस एड्रेस पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लेस यूअर ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर से हल्का प्रोसेसिंग लेगा एंड वेट करना होगा आपको थोड़ा सा। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट मेथड का ऑप्शन आया, तो यहाँ पे अब प्रोसेसिंग जारी हो गया है। तो दोस्तों आप हल्का सा यहाँ पे वेट करना एंड जल्दी जल्दी अपना है जो गोल्ड बाय हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो पेमेंट डिटेल्स सक्सेस हो गया एंड अब बचाइए, तो ये भी सक्सेसफुल हो गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे सक्सेसफुल तो हो गया एंड अब धीरे से होम पे चले जाना है। जैसे ही होम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे अमेजॉन पे बैलेंस 0 दिखा रहा होगा। तो दोस्तों फिर से हल्का नीचे स्क्रॉल करना है एंड गोल्ड वैलेट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो अब दोस्तों आपने यहाँ पे देख सकते हो यूअर गोल्ड बैलेंस आपका दिख रहा होगा, जितना आपने परचेस किया। तो अब दोस्तों आप इसको सेल करना है, सेल करने के लिए सेल गोल्ड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है जितना आपने परचेस किया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो आपका MRP दिख रहा होगा 47.79 पैसे का। पर दोस्तों आपको इतना कम क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये दोस्तों अपना चार्जेस काट लेता है, क्योंकि दोस्तों अपने बैंक अकाउंट से ये दूसरे बैंक अकाउंट में डालेगा, तो इसलिए सी बात है कोई भी बैंक वाला भी डालता है तो अपना चार्ज हल्का सा काट लेता है। दोस्तों इतना सा करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको वहाँ पे UPI, भीम UPI या फिर गूगल पे UPI ID आपको यहाँ पे डालना होगा, या फिर पेटीएम UPI ID, जो भी जिसकी भी ID आपके पास हो आप वो ID यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे फ़ोनपे की ID डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे डालने के बाद दोस्तों बगल में वेरीफाई होगा, तो जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे तो वेरीफाई पे, तो आपके यहाँ पे नाम शो कर जाएगा, नाम वही तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर नाम आपका है तो आप कंफर्म समझ लेना कि मेरा ही UPI ID है, तो मेरा नाम शो कर दिया है। तो फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया पेज खुलेगा एंड कंफर्म टू सेल कर देना है। जैसे यहाँ पे सेल पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे वेट कर लेना है, कुछ देर हल्का सा वेट कर लेना है। फिर यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है, तो पासवर्ड मैं फटाक से डाल देता हूँ। फिर डालने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक हो गया है अपना। तो दोस्तों अब यहाँ पे वेट कर लेना है, जैसे दोस्तों यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा तो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र मनी हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कोई SMS वगैरह नहीं आया है, तो दोस्तों अब वेट कर लेते हैं। दोस्तों पहला सेल जो है सक्सेसफुल हो, दूसरा पेंडिंग दिखाने लगा है। तो दोस्तों हल्का सा वेट कर लेते हैं कुछ देर। तो दोस्तों 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद मेरा जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो गया है। तो वहाँ का स्क्रीन रिकॉर्ड तो बना नहीं पाया, पर दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं फ़ोनपे पे चला जाता हूँ। फ़ोनपे पे जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे मेरी पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो 47.78 रुपये देख सकते हो। दोस्तों आप यही पैसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिए अपने अकाउंट में। तो दोस्तों यही एक छोटा सा मेथड है एंड ट्रिक है, जिससे आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने पैसे। तो दोस्तों यही छोटी सी ट्रिक थी आप अपने अमेजॉन पे बैलेंस को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का तरीका था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।